जिले के लगभग सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का उत्साह अपने शवाब पर पहुंच गया है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी वो हर हथकंडे अपना रहे हैं जो आमतौर पर विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। मंगलवार से शुरू हुए चुनाव प्रचार के दौरान मिनी माता कॉलेज का माहौल अचानक से बदल गया। कॉलेज की दीवारों में पोस्टर लगाने को लेकर उपजा विवाद इतना गहरा हो गया कि एबीवीपी और छात्र एकता पैनल के पदाधिकारियों ने एक दूसरे के बैनरों को फाड़ दिया और कॉलेज कैंपस में ही हुज्जतबाजी शुरू कर दी। एकदम चुनावी पैतरेबाजी की तरह दोनों संगठन के पदाधिकारियों के बीच झूमा झटकी हो गई। हालांकि विवाद थोड़ी देर बाद समाप्त हो गया। इस घटना के बाद दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी सफाई कुछ इस तरह दी। मेरा नाम मृदु सागर है, मैं सचिव पद से खड़ी हूँ यहाँ से एकता पैनल की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पोस्टर लगा हुआ था अभी जस्ट और आके फाड़े हैं। किन्होंने फाड़ा इसको? पता नहीं, मंदिर गए लेकिन आते वक्त देखा जा रहा है कि फाड़ा गया है यहाँ पर। इस संगठन पोस्टर रखते हैं, फाड़ा इसे, क्या लगता है आपको? ये डर के चलते। कौन फाड़ा है? एबीवीपी। कुछ झड़प भी हुई है यहाँ पर? यही होगी, मैंने देखा नहीं बहुत हुई है, बट आगे अगर ऐसा करेंगे तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। वो हमारे एबीवीपी के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगाए हैं, जबकि हमने उनको बोला, मैं उनको आवाज़ लगाई, दीदी, तो वो देखे मेरे को और देखने के बावजूद वो पीछे मुड़ के अंदर गए, लेकिन नहीं सुनी। वो वहाँ पे पोस्टर लगाए हैं हमारे ऊपर, तो उसको हटाना चाहिए। वो वहाँ से पीछे मुड़ के सुनने के बाद वापस गई, तो हमने वहाँ पे अपना बस जितना हमारे पोस्टर के ऊपर था उसको बस हटाया, तो उन्होंने क्या किया, आके हमारा पूरा पोस्टर फाड़ के फेंक दिया। तो हम लोगों ने भी उनका पोस्टर फाड़ के फेंक दिया और वो लड़ाई करने आ रही है। स्टूडेंट है, सीनियर है, हम लोग उनसे इज्जत से बात कर रहे हैं, वो भी इज्जत से बात कर रहे हैं, हम लोग उनको इज्जत दे रहे हैं, तो उनको भी इज्जत देनी चाहिए। सीनियर है तो सीनियरिटी थोड़ी ना दिखाएंगे। तो अभी तो आप लोगों ने खुद अपना पोस्टर फाड़ा है वहाँ पर से, एक पोस्टर एबीवीपी का लगा था। हाँ। अभी खुद फाड़ा, क्यों फाड़ा है उस पोस्टर को? एबीवीपी वालों ने अपना पोस्टर नहीं फाड़ा। आपके साथ जो बगल में खड़ी, आपने अभी जो पोस्टर फाड़ा वो एबीवीपी लिखा था उसमें? जी, वो पोस्टर आधा फट चुका था, तो अभी हम लोग उस पर नया पोस्टर चिपकाएंगे क्योंकि नया पोस्टर रेडी है। तो आधा पोस्टर रहने से आधा नाम से मतलब ही क्या है? झड़प किस बात को लेके हुई थी आप लोगों के बीच? हमारे पोस्टर के ऊपर हमारे दीवार अलग अलग है कॉलेज पे, तो जब जान रही है कि अलग पैनल वाले हैं, तो उनको हमारे दीवार पे बोर्ड में नहीं लाना था पेपर, ऊपर से टेप भी लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना आगे। और ऊपर से सीनियर्स भी नहीं है, सीनियर्स ऐसे बात करती है क्या? वो ऐसे छाती ठोक ठोक के बात कर रही है। क्या आप लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई है अभी? जी, हाथापाई तो नहीं हुई है। मिनी माता कन्या महाविद्यालय में इस तरह की घटना होने से एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो मारपीट करने से भी नहीं चुकेंगे। कॉलेज में जिस तरह से तुतू मैमे की स्थिति निर्मित हुई है, उसे कॉलेज प्रबंधन को गंभीरता से लेनी चाहिए और छात्रों को आपस में न उलझने की समझाइश भी देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अभी तक।